नमस्कार, मैं काजल द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पीसीसी के निर्देश अनुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत भवानी मंडी कृषि उपज मंडी के किसान और मजदूरों को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा, झालावाड़ से आशिक मंसूरी की रिपोर्ट। यह ऐसा किसान और मजदूर बचाओ अभियान की शुरुआत कांग्रेस के माध्यम से की जा रही है, वो क्यों की जा रही है, इसके लिए बताना आवश्यक है और आपको समझना आवश्यक है कि वास्तव में इस देश के अंदर सत्ता पाने के लिए अंग्रेजों से लेकर के आज तक अंग्रेजों के जितने भी मित्र हुए हैं उन्होंने बांटो राज करो वो नीति अपनाई है। पहले अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के अंदर इस देश को बांटा, अब वर्तमान की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार वो किसान किसान को बांट करके, जाति को आपस में बांट करके, धार्मिक आधार पर बांट करके और राज करने की नीति इस देश के अंदर लागू की जा रही है। हमारे यहां पर बहुत आपस में इस प्रकार की स्थिति है, ये कृषि प्रधान देश कहा जाता है और इसी आधार पर इस देश के किसान को जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। उन्होंने कहा जवान अगर सीमा पे खड़ा होकर इस देश की सुरक्षा करता है तो इस देश का किसान धरती का सीना चीर करके इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का पेट पालता है। और ऐसी स्थिति में 3 बिल लाएंगे अध्यादेश के माध्यम से। पहले आपको यह समझना होगा अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश एक कानून की शक्ल के अंदर लाया गया वो प्रपत्र होता है जिसे संसद के अंदर ला करके और उसके अंदर बिल का स्वरूप देके उसको पारित करवा लिया जाता है, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद में वो कानून बन जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी की सारी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।